आज के बाद आपको ये फिजिकल बिजनेस कार्ड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसे हम फाड़ देते हैं। और मान लीजिए आपको आपने आपके क्लाइंट को आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड भेजे हैं, तो आपका क्लाइंट क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में अगर आपने भेजा है तो वो व्हाट्सएप खोलेंगे और आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड उसको इस तरह से मिल जाएंगे। तो वो अगर आपके डिजिटल बिजनेस कार्ड को खोलते हैं तो कुछ इस तरह का आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड क्लाइंट के पास आ जाएगा। तो क्लाइंट क्या कर सकते हैं, क्लाइंट आपको आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस तरह आपका नंबर को टच करेंगे और उनका डायलर में आपका नंबर आ जाएगा। इसके अलावा आपके क्लाइंट आपको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मेल आईडी पे हाथ लगाएंगे तो मेल खुल जाएगा। देखिए मेल खुल गया और डायरेक्ट आपको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप चला जाएगा और व्हाट्सएप में आप जिस तरह का लिखना चाहते हैं उस तरह का आप दे सकते हैं और क्लाइंट बाय डिफॉल्ट वही उनके व्हाट्सएप में खुल जाएगा और जैसे ही वो सेंड करेंगे वो डायरेक्ट आपके पास वो मैसेज आ जाएगा। तो इसके अलावा आपका सारे सोशल मीडिया का साइट्स जो है वो भी हम लोग कन्फिगर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फेसबुक है, तो आपके क्लाइंट अगर फेसबुक में क्लिक करते हैं तो आपके फेसबुक आईडी में चले जाएंगे डायरेक्ट। देखिए इनका फेसबुक आईडी खुल रहा है और डायरेक्ट आपके फेसबुक आईडी में, आपके फेसबुक में आपका क्लाइंट घुस जाएंगे। देखिए ऋषि डिजिटल मेरा कंपनी का नाम है, क्लाइंट डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं। तो इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब सारे में जा सकते हैं और गूगल माई बिजनेस में अगर लोकेशन या मैप में देते हैं तो डायरेक्ट मैप खुल जाएगी। देखिए मैप खुल जा रहा है, गूगल मैप, तो क्लाइंट डायरेक्ट आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब आपका ऑफिस का लोकेशन मैप में ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए आपका मेरा कंपनी आ गया, कंपनी का लोकेशन। तो इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपके क्लाइंट को ये डिजिटल कार्ड अगर थोड़ा सा आप आपके क्लाइंट को बता देते हैं तो उनको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये ऐड टू फोन बुक अगर करते हैं तो डायरेक्ट आपका सारा डिटेल्स, आपका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, आपका सोशल मीडिया का सारे डिटेल्स उनके फोन बुक में चला जाएगा। जस्ट दो क्लिक में उनके फोन बुक में आपका सारा डिटेल्स सेव हो जाएगा। देखिए ये कौन सा फोन बुक में सेव करना चाहते हैं ये पूछ रहे हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए तो ये डायरेक्ट आपका फोन बुक में इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए इनका फोन बुक में, क्लाइंट के फोन बुक में मेरा डिटेल्स भी आ जा रहा है। ये देखिए मेरा पूरा डिटेल्स इनके फोन बुक में आ गया, ये एड्रेस वगैरह सब कुछ एक ही साथ आ जाएगा, कंपनी का नाम सब कुछ एक साथ आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है। थैंक यू।